राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, तो आज माँ चंद्रघंटा का दिन है और जो है कि माता रानी का श्रृंगार मैंने कर दिया है। तो देखिए बताइए कि कैसा लग रहा है माता रानी का श्रृंगार, कैसी लग रही है माँ शेरा वाले, ज़रूर बताइएगा कि माँ का श्रृंगार कैसा लग रहा है। आप लोगों को दर्शन कर लीजिए आप लोग, माँ चंद्रघंटा का आज दिन है, आज तीसरा नवरात्र है। तो माँ को आज दूध से बनी कोई चीज़ भी चढ़ता है, क्योंकि हर एक 9 दिन है, तो 9 दिन में जैसे कि क्या चढ़ता है तो उसका अलग अलग महत्व है कि इस दिन क्या चढ़ेगा, इस दिन क्या चढ़ने से क्या होता है। तो आज दूध से बनी कोई चीज़ आप चढ़ा सकते हैं, जैसे कि बर्फ़ी चढ़ा दीजिए, मलाई चढ़ा दीजिए, दूध ही चढ़ा दीजिए, खीर बना दीजिए, तो कुछ भी तो आज आप लोग चढ़ा सकते हैं माता रानी को। अभी तो मैंने इनका श्रृंगार किया हुआ है और अभी पूजा मुझे करनी है। चलिए पूजा कर लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं माता रानी को। पूजा कर ली है, अब दर्शन कर लीजिए माता रानी के। ये सुंदर, कितनी प्यारी लग रही है माता रानी। तो माता रानी के दर्शन कर लीजिए, और पूजा मैंने कर ली है, आपको दिखाते हैं गोपाल जी के। गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए, यहाँ भी पूजा हो गई है, देख लीजिए आज इनका श्रृंगार। माधव जी ने आज केस लगाया हुआ है, देख लीजिए। तो मैंने भोग लगा दिया है माधव जी को, फ्रूट का भोग मैंने लगाया है। तो चलिए कुछ नाश्ता वाश्ता भी बना लेते हैं। तो मैं इधर आ गई हूँ किचन में, तो मैंने, आप तो जानते हैं 9 दिन का मेरा उपवास है, तो कुछ फलाहार ही बनाने आई हूँ सब खाने का। और इधर मैंने चाय चढ़ा दिया है, चाय पक रही है। और जो है कि इधर मूँगफली गुद्दी मैंने पीस रखी थी, तो मैंने डाल दी है, वो तो सारी डाल देंगे इसमें, इसे बनाऊंगे। आप लोग कैसे बनाते हैं, मैं तो ऐसे बनाती हूँ, लेकिन जो साबूदाना पैकेट वाला आता है ना, तो वो काफ़ी अच्छा होता है, ये उतना अच्छा नहीं है। साबूदाना जो खुलता वाला आता है, खुला वाला जो आता है ना, तो वो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, तो खुला वाला हस्बैंड ला दिया, तो मैंने उनसे बोला था कि पैकेट वाला लाने, तो वो उतना अच्छा नहीं होता है, खुला वाला खुलता ही नहीं है जल्दी, तो मैं पैकेट वाला ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं, चाय भी पक रही है, तो फिर मिलते हैं आपसे। बन गया है उपवास थाली, और थर में माधव जी को भी जो है कि भोग लगा दूंगी। इधर गाइस आपको लग रहा होगा कि मेरी सांस फूल रही है, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सांस काफ़ी फूल रही है, जान थायराइड की वजह से, थायराइड बढ़ गया होगा कि मुझे सांस मेरी काफ़ी फूल रही है। लालों को भोग लगा देते हैं। गाइस इधर मेरा पार्सल आ चुका था, कल ही आया था, बट मैंने जो कि वीडियो शूट किया था, लेकिन क्लिप डिलीट हो गई, तो मैं सोची कि आज आपको दिखा दूं। ये देखिए चुनरी है माता रानी के, ये देखिए, ये मेहरून कलर की है, ये देख सकते हैं ऊपर से उठाने के लिए, ये मेहरून कलर की है, और ये आपका है येलो कलर का, येलो कलर का है, इसमें ग्रीन ग्रीन भी लगा हुआ है, ऊपर से लैस है, देखिए इस तरीके का नेट वाली है ये, एक ये हो गया, एक ये ब्लू कलर की है, ये देखिए इस तरह से, इसमें ऐसे सितारे वाली लैस लगी हुई है, देखिए ये भी नेट की है, ब्लू कलर की है ये, और ये है एक ऑरेंज कलर की, इसमें भी लैस लगी है गोल्डन जैसी, देखिए ये सारी नेट की है। मैंने 4 मंगाई हुई थी माता रानी को, तो अभी कल ही आया हुआ है, तो कल जब भी आया शाम को आया है, तो फिर मैंने ओपन करके वीडियो बनाई है मैंने, लेकिन वो डिलीट हो गई क्लिप, नहीं तो पूरी ओपन करके मैं आपको पूरा दिखाती। तो ये है, और गोपाल जी का कुछ पोशाक आया हुआ है, तो चलिए वो भी दिखा लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं। और ये देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी पोशाक है,
ये छोटे वाले बाबू की है, लड्डू बाबू की। मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको, ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा। एक हाथ से मोबाइल पकड़, समझ में नहीं आता है। ये देखिए उनका ऊपर का पटका है, ये देखिए पटका है। इधर देखिए मेरा हाथ जल गया है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो इधर हाथ जल गया है, कढ़ाई से सट गया था। बच्चों का नाश्ता बना रही थी जब से जल गया, क्या ही किया जाए, अब काम तो करना ही है। तो देखिए ये ऐसे हैं कुछ, इतनी प्यारी लग रही है, जब पहनेंगे तो कितने प्यारे लगेंगे लड्डू बाबू। आइए ऊपर का चोली है इनका, ऐसे ऐसे है, बहुत सुंदर लग रही है। इसी में का एक दो और है, तो ये हो गया। और एक देखिए किस तरह कैसे है, ये जो है कि पर्पल में आ जाता है, ये वाला देखिए पर्पल और पिंक में, वाइट में है और ये पिंक में है। तो इसको भी ओपन करके दिखाते हैं आपको। मैंने पहले ही ऑर्डर, बहुत दिन का मैंने ऑर्डर दिया था, तो मैंने कहा कि पितरपक ख़त्म हो जाएगा तो फिर आएगा, तो आ गया। तो देखिए ये इस तरीके के हैं, ये भी काफ़ी प्यारी लग रही है। इसमें क्या लग रहा, पटका ऊपर का चोली नहीं है इसमें, इसमें लग रहा चोली नहीं दिए हैं। मैंने कल सही से देखा भी नहीं भाई, इसमें देखिए ऊपर का चोली है और इसमें इसके ऊपर का चोली नहीं दिए हैं भैया जी ने। चलिए कोई बात नहीं, उसका पहना देंगे, नहीं है तो। ये भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ये फ्लावर लगे हुए हैं कपड़े का काट काट के, ये भी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है देखिए। चलिए दूसरी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये इस तरीके के ब्लू कलर की। मैंने दिवाली में सबको, मैंने सोचा है कि ब्लू कलर का ही ड्रेस सबको पहनाऊंगी, तो मैंने सबका एक एक करके सबका मंगा लिया है। देखते जहाँ तक होता है, हम लोग अपना भी ब्लू ही करेंगे, मन तो यही है, देखिए क्या होता है। तो ये देखिए इसमें देखिए पटका दिया हुआ है, इसमें देखिए अंदर है पटका और उस वाले में नहीं है पटका। चलिए क्या ही किया जाए, क्या कहें उनसे, तो निकल जाए बाबा इसमें से। तो ये देखिए ये है ऊपर का इनका चोली, पटका मैं बोल रही थी सॉरी। तो ये है चोली इनका ऊपर का, हाँ ये है पोशाक, ये भी काफ़ी सुंदर लग रही है, इसका कलर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। देखिए ये देखिए ऊपर का, ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया, और ये ग्रीन में है, देखिए ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसको भी देखते इसका में पटका उटका है कि नहीं भाई, इसमें भी लग रहा है पटका गाय, और बार बार सॉरी मैं बार बार पटका ही बोल दे रही हूँ चोली तो इसमें भी चोली नहीं है, अब लाला कैसे पहनेंगे। इसमें भी देखिए ऊपर का ही नहीं है, देखिए भी कितना अच्छा लग रहा है, वाइट और ग्रीन में है, सब बने हुए हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये कढ़ाई हुआ है इसको, देखिए देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा। तो ये तो हो गया, चोली नहीं मिली, और ये समझ आ रहा है। और ये कि ये मैंने मंगाया था तिलक लगाने वाला, ऐसे करके इसे किस में आप लगा लिया और इसमें ऐसे करके माथे पे आपने लगा लिया, एक ये है। और ये मैंने नहीं मंगवाया था, ये भैया ने अपने से खुद से भेजा हुआ है, ये भैया ने खुद से भेजा हुआ है। अभी मैं और दिखा रही हूँ आपको, ये है बॉक्स, इसमें आया था सारा, इसको धीरे धीरे निकाल के फिर आपको दिखाते क्या क्या है। निकल जाए बाबा, निकल जाओ निकल जाओ। एक और दिया कहाँ चला गया, ये देखिए मिल गया, ये इसमें का है,
एक मिनट, ये देखिए इसमें का निकल गया, ये एक था एक और एक ये मैंने नहीं ऑर्डर किया था, भैया ने अपनी तरफ से दिया है जहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ। तो ये इसमें ये है ना कि इसमें पानी डालेंगे तो ये अपने आप से दिया जलेगा। थैंक यू भैया जी। और ये मैंने मंगाया है, देखिए ये है प्लेट, मतलब दो कटोरी, एक चम्मच और एक गिलास है। तो मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ कैसे हैं। तो ये मैं हटाती हूँ, ये देखिए, ये देख कितनी अच्छी, कितना अच्छा से मैंने कहा इस पर हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। इस पर मोर पंखी बनी हुई है, बांसुरी बंसी बनी हुई है। तो ये प्लेट है उनका, और ये देखिए ये इस पर कटोरी छोटी छोटी सी इस पर बनी हुई है मोरपंखी बंसी। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी भारी है, इसे बहुत से हल्की आती है ना, तो नहीं ये हल्की नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया है इन्होंने। ये देखिए इस पर भी बनी हुई है, तो दो कटोरी है इस पर और ये चम्मच है, देख सकते हैं। और चम्मच पे भी बनी हुई है, देख लीजिए छोटी सी, देखिए बंसी चम्मच भी अच्छी क्वालिटी का है। और ये है गिलास, इसको भी आप ओपन कर लेते हैं, देखिए यह ग्लास, ग्लास भी बना हुआ है, देख सकते हैं आप मोर पंखी, अच्छा है। कटोरी काफ़ी हैवी लग रही है, अच्छी है। तो ये इतना ही शॉपिंग मॉल था, इसी में आया था, इसी डब्बे में करके। तो ये ऊपर का डब्बा है, इसी में आया था, देख लीजिए यही है सारा, अच्छा क्वालिटी है सबका। तो यही मुझे आपको दिखाना था, और जैसे कि मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मेरे घर में जो कुछ आता है खाने से लेके पीने से लेके सब मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली ही हो। लेकिन जो सब मतलब जो हो सकता है वही दिखाती हूँ, जो यूट्यूब पे नहीं दिखाने लायक है मैं क्या ही दिखाएगा, बट जो मेरे घर में आता है। और मेरे व्लॉग में डेली रूटीन में देखिए लड्डू गोपाल तो आएंगे ही, क्योंकि वो घर के सदस्य हैं, मेरे बच्चे हैं, तो उनको तो मैं दिखाऊंगी, चाहे डेली रूटीन मतलब आपके साथ शेयर करूं उनसे सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन है, लेकिन वो तो आएंगे ही आएंगे वीडियो में। तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि तो प्रभु हैं, उनसे हमें हम उनसे नहीं हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको। इधर शाम हो गई है और मैं चाय बना रही हूँ, हस्बैंड आ गए हैं तो चाय बना रही हूँ, इधर छान लूँगी मैं, तो छान लेती हूँ चाय। पहले इसमें निकाल लेती हूँ मैं व्रत वाली नमकीन अपनी, व्रत वाली नमकीन निकाल लेती हूँ। ये सिंगाड़े के आटे की है, जैसे कि बनी हुई है व्रत में खाने वाली। तो ये मेरी चाय है, हो जाएगी, इसमें बच्ची ले लेगी, इसमें इसके पापा ले लेंगे। छान लेती हूँ, तो चलिए छान लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो हम लोग चाय पी लिए हैं, और चाय पीने के बाद फिर जो है कि हस्बैंड चलेगा देखो सामान लाने के लिए, कुछ सामान में घटा ही रहता है। तो ये कुछ सामान का पोहा लाना था, पोहा ख़त्म हो गया, तो बच्चे स्कूल लग जाते हैं ना, तो ये पोहा है, चार पैकेट है, ये पोहा है चार पैकेट। और मैंने साबूदाना मंगाया, साबूदाना में आप पिछली वीडियो में देखे होंगे कि मैं खुलता वाला मंगाई थी, खुलता वाला मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने ये वाला फिर मंगाया। मैंने सुबह नाश्ता भी बनाया था फलहारी, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, तो फिर ये हस्बैंड लेके आए। और ये सब्जी मसाला मंगाया मैंने, ये सब्जी मसाला है। और एक बाजा लेना था, जैसे बाजा जो होता है ना, तो ये मुझे लेना था, तो ये भी मंगाए हैं, साउंड वाला देख लीजिए ऐसा है। तो ये मंगाना था, मेरा टूट गया, बच्चे बजा बजा के जो है कि ख़राब कर देते, तो ये इसे माता रानी का भजन वजन सुनना होता तो मैं लगा देती हूँ, सुनती हूँ मॉर्निंग में। और ये मेरा क्रीम ख़त्म हो गया था, ये ख़त्म हो गया था, ये आया है, और ये ख़त्म हो गया था पॉन्स पाउडर, तो ये आ गया है बड़ा वाला, तो ये आ गया है। और एक ये है पॉन्स का फेस वाश, चारकोल है, तो ये है, बस बस इतना ही सामान था।
तो चलिए डिनर बना लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। मैं डिनर बना रहे तो यहाँ मैंने जो है कि आटा लगा दिया है, तो आटा लगा दिया है मैंने इधर अपने मतलब कि बेटे को रोटी बना के दूंगी, सब्जी दिन का रखा हुआ है लेफ्ट ओवर तो उससे खा लेगा। और इधर मैंने ये आलू लौकी काट के रखा हुआ है, तो ये मैं बनाऊंगी ये तिन्नी का चावल। और ये मैंने काट के रखा हुआ है हरी मिर्च और टमाटर, इसका मैं तिन्नी का चावल बनाऊंगी, इसे मैं हस्बैंड और लाला को सबको भोग लगा दूंगी। और जो है कि मेरा बेटा नहीं खाता है ये, तो चलिए बना लेते हैं। कुकर मैंने यहाँ चढ़ा दिया है, चलिए बना लेते हैं तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने प्रसादी बना लिया है तो चलिए लालों को भोग लगा देते हैं। फिर लाला भोग लगा लेंगे तो फिर हम लोग पाएंगे, तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।